आगे हम बात करें तो दुमका की बात करेंगे हम। सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि रस्म अदायगी के लिए स्कूल आते हैं। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के दक्षिण जो पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामजोड़ी की एक यही कहानी है। यहाँ एक शिक्षक के भरोसे 105 बच्चों की पढ़ाई हो रही है। 7 साल से यहाँ एक शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साफ है कि पढ़ाई के नाम पर मजाक ही हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये गरीब बच्चे हर रोज स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि पढ़ाई की रस्म अदायगी पूरी करने आते हैं। दरअसल स्कूल में मास्टर जी ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के दक्षिण जो पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामजोरी की ये तस्वीर है। स्कूल में 105 बच्चों का नामांकन है और शिक्षक सिर्फ एक। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ते होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं, ये बस सरकार से अपने स्कूल के लिए मास्टर जी मांग रहे हैं। मास्टर एक तो अच्छे और एक तो मास्टर हमारे पढ़ाशुना कोन होय ना बड़ो करे इनाम बड़ो रघुनंदन माजी। आप लोग का दिक्कत नहीं हो रहा पढ़ाने में जो? हाँ दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग क्या नाम है आपका? मोमिता साह। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8। क्या चाहती है और टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए और टीचर। कितना दिन से है टीचर यहाँ? ग्रामीणों की माने तो स्कूल में बीते 7 साल से एक ही शिक्षक है। विभाग को कई बार लिखा गया लेकिन अफसरों ने स्कूल को उसके ही हाल पर छोड़ दिया। वहीं स्कूल के शिक्षक की माने तो विभाग ने जल्द ही स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। कितना दिन से मास्टर नहीं है? 7 साल से। कितना बच्चा पढ़ता है? 105। आप लोग क्या चाहते हैं? मास्टर आना चाहिए। क्या आपका परिचय? जानकारी तो दिया गया है, जानकारी दिया गया है, अभी नियुक्ति हो रहा है, बोलता है बहुत जल्द दे दिया जाएगा। कितना दिन से है? हम तो 2017 से हैं। तभी से एक ही है? नहीं, और था, उसके बाद डेपुटेशन में था। कितना छात्र हैं? 105। शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने की बात करने वाली सरकार को दुमका जिले के इस स्कूल की खबर जरूर लेनी चाहिए। स्कूल भवन के रंग रोगन से शिक्षा की सूरत नहीं बदलेगी। पढ़ाई के लिए स्कूल जरूरी है तो स्कूल के लिए मास्टर जी भी जरूरी है। बच्चे सरकार से सिर्फ मास्टर जी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। TV45 के लिए दुमका से तूफान अंसारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तूफान अंसारी फोन लाइन पे बने हुए उनका रुख करेंगे। तूफान जी, के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि रस्म अदायगी के लिए स्कूल आते हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुमका की जो स्कूल की कहानी बताई जा रही है रानीश्वर प्रखंड के, वहां पे एक ही शिक्षक के सहारे 105 बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे पढ़ पाएंगे सही से? जी, ये मामला दक्षिण जोल पंचायत का है जी। ये जामजोड़ी विद्यालय में लगभग 7 साल से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जी। और ग्रामीणों का द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार हमने प्रखंड स्तर से इसको जानकारी दिए हैं, नहीं हुआ इस विषय में कोई कार्रवाई, तो हम उपायुक्त को भी दिए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 105 छात्र हैं और एक शिक्षक, आप खुद ही समझ सकते हैं किस तरह का पढ़ाई होगा। ये सिर्फ जामजोड़ी का नहीं है, ये मतलब रानीश्वर प्रखंड का नहीं है, शिकारी पड़ा प्रखंड में भी इसी तरह कहीं 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, वहाँ 2 शिक्षक और जहाँ 100 से ज्यादा है वहाँ 1 शिक्षक। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में, शिक्षा में कितना पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे होंगे। वो शिक्षक कह रहे हैं कि हमें तो दिन भर वो लिखने या मोबाइल में ही करने में ही समय बीत जाता है, तो हम क्या करें बोले के लिए। शिक्षक भी परेशान है कि हम क्या करें। कई ऐसा विद्यालय है जो शिक्षक मतलब रो रहे हैं कि हम क्या करें। तो क्या कभी शिक्षकों ने इससे लेकर शिकायत नहीं की? क्योंकि देखिए शिक्षक की ही बात नहीं है, जाहिर सी बात है अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो काफी उम्मीद के साथ भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी वहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, वहाँ उनका भी कंप्लेन होगा, तो क्या उन्होंने कभी शिकायत नहीं की? जी की है, उसने कहा कि हमने उपायुक्त दुमका तक भी शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ इसमें। प्रखंड में तो दिए ही है लेकिन उपायुक्त तक भी दिए हैं लेकिन कोई, बच्चे भी नाराज हैं जी। रानीश्वर प्रखंड मतलब लगभग विकसित है जी सब में, तो बच्चे भी नाराज हैं कि हमें सिर्फ स्कूल आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, क्या मतलब क्या करें, पढ़ाई होता ही नहीं है जी। तूफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की बात तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। और झारखंड के सिर्फ दुमका जिले की ही नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जिसकी कहानी यही है, जहां एक ही शिक्षक है और शिक्षकों की घोर कमी भी है और इसकी शिकायत लगातार की भी जाती है लेकिन समाधान नहीं निकाला जा रहा है। और बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान है, बच्चों के अभिभावक भी परेशान है, तो देखने वाली बात हुई कब
अधिकारियों की नींद खुलती है और बाकी अन्य शिक्षकों की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाती है।